आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली NCR में प्रदूषण मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र व राज्य सरकारों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार 24 घंटे में कदम उठाए, नहीं तो कोर्ट आदेश जारी करेगा। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि आपातकालीन स्थिति में असाधारण कदम उठाने की ज़रूरत है। जी हां, बता दें आपको कि कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकारी दावों के बावजूद आखिरकार प्रदूषण कैसे बढ़ रहा है। इससे पहले आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना ने दिल्ली में अभी भी कुछ स्कूल के खुले रहने पर खासी नाराजगी जताई है। CGI ने दिल्ली सरकार से कहा कि आपने स्कूल खोल दिए हैं, छोटे छोटे बच्चों को सुबह 6 बजे स्कूल जाना पड़ रहा है। तो वहीं आप सभी को बता दें कि CGI ने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार ने कहा कि हमने आपके बयानों को गंभीरता से लिया, आपने कई दावे किए कि स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन देखा ये जा रहा है कि सभी स्कूल बंद नहीं हुए हैं। 3 व 4 साल के बच्चे अभी भी स्कूल जा रहे हैं। आपने लॉकडाउन लगाने पर विचार करने की भी बात कही थी, लेकिन अब जब स्कूल भी खोल दिए, अब माता पिता घर से काम कर रहे हैं जबकि बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। तो वहीं आप सभी को बता दें कि जवाब में अब दिल्ली सरकार की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि स्कूल बंद है, हम इस पर जांच करेंगे। अब तक इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।